वजन को घटाने में विटामिन्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप मोटे हैं, यानी अगर आपका वजन सामान्य से ज्यादा है, तो आपको निम्नलिखित विटामिन्स का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी। विटामिन सी वजन को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को तेज करता है। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया होती है जो शरीर में जमी अनावश्यक चर्बी वसा को गलाती है। यूं तो विटामिन सी के सैकड़ों फायदे हैं, जैसे यह विटामिन आपकी रोग प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करता है। अगर आपकी रोग प्रतिरक्षण प्रणाली दुरुस्त नहीं रहेगी तो ढेर सारे रोग आपके शरीर पर हमला कर देंगे। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को फैलने से रोकता है, उन्हें नष्ट करता है ताकि भविष्य में वे कैंसर का कारण न बने। जी हाँ, फ्री रेडिकल्स ही कैंसर का कारण बनते हैं। कई अन्य विटामिन्स एवं खनिज भी तभी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाते हैं जब उन्हें विटामिन सी का साथ मिलता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको रोजाना कम से कम 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम विटामिन सी अवश्य लेनी चाहिए। ढेर सारे ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे अमरूद, पके आम, सेब, पपीता, संतरे, खरबूज, तरबूज इत्यादि। अगर आप में रोजाना सेब खरीद कर खाने का सामर्थ्य नहीं हो तो अमरूद का सेवन करें। अमरूद सेब से भले ही बहुत सस्ता होता है, लेकिन गुण के मामले में यह फल सेब से किसी भी मामले में कम नहीं होता। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में तो होता ही है, और भी ढेर सारे विटामिन्स एवं खनिज होते हैं जो पेट की कई बीमारियों को ठीक करते हैं एवं आपके मोटापे को कम करते हैं। कच्चे अमरूद मधुमेह के मरीजों को भी अत्यंत ही लाभ पहुंचाते हैं। आंवला विटामिन सी का एक तरह से सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना जाता है, लेकिन चूंकि यह सालों भर उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए बहुत से लोग इसका नियमित रूप से सेवन नहीं कर पाते। नींबू भी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सालों भर मिलता है, इसलिए आप पीले नींबू के रस का अगर नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका वजन निश्चित रूप से घटता जाएगा। लहसुन में भी यह विटामिन काफी मात्रा में मौजूद रहता है। विटामिन बी एक को थायमीन के रूप में भी जाना जाता है। यह विटामिन चीनी यानी शुगर को ऊर्जा में तब्दील करता है। इस तरह आपके शरीर में अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं हो पाता। यह विटामिन खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा एवं कार्बोहाइड्रेट को भी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस तरह जब आप व्यायाम करते हैं तब आपको इस विटामिन की वजह से ताकत प्राप्त होती रहती है और आपको थकान नहीं होती। शराब की मौजूदगी में इस विटामिन का शोषण नहीं हो पाता, यह भी एक कारण है जिसकी वजह से शराबी लोग अक्सर मोटे पाए जाते हैं, और अगर वे अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उन्हें मोटापा कम करने में लंबा समय लगता है। साबुत गेहूं, जई, मांस, मछली, लहसुन, सोयाबीन वगैरह इस विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तुलसी के पत्ते भी इस विटामिन से भरपूर होते हैं। आपको यदि वजन कम करना हो तो रोजाना सुबह सुबह तुलसी के लगभग 10 ताजे पत्ते चबाया करें। यह विटामिन आपकी तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत करता है, जिसकी वजह से आप पर तनाव या डिप्रेशन हावी न हो पाता। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति का शरीर भी विटामिन बी एक को ग्रहण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कहा जाता है कि तनाव से मोटापा बढ़ता है। विटामिन बी दो। यह विटामिन भी आपकी तंत्रिका तंत्र को दुरुस्त करता है एवं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि को ऊर्जा में तब्दील करता है। यह विटामिन मेटाबॉलिज्म को तेज करने में उत्प्रेरक का काम करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में मौजूद अनावश्यक चर्बी कम होती है और आपका वजन घटता है। साबुत अनाज, अंडे, बादाम, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियों में यह विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तुलसी के पत्तों में भी यह विटामिन पाया जाता है।
इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। विटामिन बी 3। थायराइड ग्लैंड्स में गड़बड़ी के कारण भी मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है और आपका वजन बढ़ने लगता है। विटामिन बी 3 के कारण थायराइड ग्लैंड्स से उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया तेज होती है और आपका वजन कम होता है। चिकन, अंडे, जई, साबुत अनाज, तुलसी के पत्ते, लहसुन, मछली इत्यादि ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें यह विटामिन मौजूद रहता है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, तो ध्यान रखें कि चिकन की त्वचा में बहुत मात्रा में चर्बी होती है, जो आपके वजन को घटाने की बजाय बढ़ाएगी। अतः चिकन को बिना त्वचा के खाएं। विटामिन बी छह भी वजन को कम करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यह विटामिन थायराइड की ग्रंथियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसकी वजह से सभी हार्मोन्स का ठीक से निर्माण होता है एवं आपके शरीर की मेटाबॉलिक रेट तेज होती है। इस तरह आपका वजन कम होता जाता है। विटामिन बी बारह को कोबलामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को ऊर्जा प्रदान करने वाला विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विटामिन आपके द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में तब्दील करता है। मसलन यह वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज इत्यादि को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस विटामिन की वजह से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आपका वजन कम होता है। विटामिन बी 12 की कमी से कमजोरी आती है एवं थकान तथा आलस्य रहता है। इस विटामिन की कमी से कई मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, जिनके लिए किए गए इलाज दवाइयों से वजन बढ़ता है। अगर आप मांसाहारी हैं, तो आप मछली, अंडे, मांस, केकड़े इत्यादि खाकर विटामिन बी 12 की पूर्ति कर सकते हैं, और यदि आप शाकाहारी हैं, तो आप इस विटामिन की प्राप्ति के लिए पनीर, तुलसी के पत्ते, पालक इत्यादि का सेवन किया करें।